नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं जी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं जी, वो लेकर के आए हैं गुड़ तेल का काढ़ा कैसे बनाएं, अपनी झोटी के लिए बना रहे हैं जी, दूध बढ़ाने के लिए। तो आप भाइयों को भी दिखा दें। तो यहाँ पर आधे किलो गुड़ लिया है जी, इसके अंदर आधा किलो पानी लिया है और ये पकने के लिए रख दिया अभी 5-4 मिनट में, इतना पक गया था। उसके बाद में अपन ये 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है जी, पूरा उबलने के बाद है, इसके अंदर आप डाल देंगे तेल, मिक्स कर देंगे जी, और फिर इसको जब 5-4 मिनट पकने देंगे, फिर उसके बाद ठंडा करके अपने भैंस को खिला देंगे भी। आप शाम के टाइम खिला रहे हैं, आप सुबह दिन में एक बार कभी भी खिला सकते हैं। खिलाने के बाद आप तेल खिलाने के बाद जो है पानी नहीं पिलाना होता, तो आप पहले पानी वगैरह पिला करके उसके आधे घंटा 20 मिनट बाद जो है। तो ये डाल दिया आपने गुड़ तेल का जो काढ़ा, आवटी बनाई है दलिए के अंदर। ऐसे तो नहीं खाएगी नहीं पिएगी ताज़ा भी, उस टाइम पे गुड़ जो आवटी बनाते हैं वो नहीं ली। तो आज 20-22 दिन बाद में आप ये दे रहे हैं इसके अंदर। अब तेल मिला के थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसके अंदर थोड़ी चने की चूरी जो है आप ऐड कर लेते हैं भी, ताकि ज़्यादा पतला ना हो। अब इसको खिला देंगे खाली की, थोड़ा ठंडा हो जाए, गर्म है। थोड़ा इसको मिक्स कर देते हैं अभी, थोड़ा देखते हैं कितना दूध बढ़ाती है। अगर दूध बढ़ाती है इसे 2-3 दिन हम देखेंगे, बाद में जो आप और आइटम है वो लेकर के आएंगे भाई। जैसे मेथी है, मेथी तो देते हैं हर साल बहने के बाद में, तो अब इस टाइम पे देते हैं अभी 15-20 दिन की बेई हो जिस टाइम पे, तो आप इसको मेथी देंगे। और भी अब जो है गुड़ तेल का काढ़ा, इससे पता चल जाएगा दूध अगर बढ़ाती है तो फिर आप और भी प्रोडक्ट है मेडिकल लाइन के वो देख करके देखेंगे भी। अभी देखते हैं भी झुट्टी खाती है नहीं। मैं तो थोड़ा गरम गरम इन्होंने आया, खाने तो लग गए भैया, पता चल जाएगा 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर कितना दूध में फर्क पड़ता है। सुबह जो है दूध आप देखेंगे बाल्टी में निकाल करके कितना दूध देती है, उसके बाद में कितना बढ़ता है वो आप भाइयों को बताएंगे जी। और सोडा पास से कोई फर्क दूध में नहीं मिला जी। और बात करें थे ब्लैकनेस की, तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं हुई है। अगर थोड़ा दूध बढ़ता है इससे गुड़ के तेल काढ़े से, तो आप फिर दोबारा एक डिब्बा सोडा फास्क का है वो देंगे जी। ये देखो लाल ही दिख रही है अभी, कोई डॉक्टर भाई बता रहा था क्यूरोनाइन का इंजेक्शन लगाने से भी पशु काला हो जाता अगर आपको ब्लैक करना हो तो चमड़ा अपना पशु के अंदर। कुछ भैंसों का शरीर चमड़ा अपना होता, लेकिन इस तरह के लाल है वो ठीक हो जाता है बताते हैं जी। तो आप देखा जी दूध बढ़ाने का तरीका है, वो स्टार्ट कर दिया है फार्मूला आज से, वो साथ में मिट्टी लेकर के आएंगे आप। तो इसने खा लिया जी, आज का वीडियो यही था। सुबह दूध निकालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कितना देती है, और बाद में जैसे बढ़ता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ बाद में हम आपा जो देंगे 250 ग्राम मेथी जी, दूध बढ़ने लगा तो थोड़ा फालतू कर देंगे, पानी के अंदर भिगो के देंगे दलिया बना करके मेथी का, शाम को पानी के भिगोएंगे अंदर और सुबह खाली पेट इसको खिलाएंगे जी। फिर आती है भूख वाली दवाई, बायोबूस्ट की गोलियाँ दे देंगे अगर चलना बंद होती तो, वैसे ये नहीं होती भी, काफ़ी अच्छी खाने वाली है कितना ही डाल दे बेशक। और फिर थोड़ा बहुत और कसर रह जाती है, पापा एनाबोलाइट सुरजीत मलिक की वीडियो देखी थी अपने, उस पर इंडियन फार्मिंग मैनेजमेंट पे 39 मिनट की वीडियो थी शायद। पापा ने ग्लूकोज बूस्ट भी दी स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है गुड़ दे रहे हैं तो इसके अंदर भी ग्लूकोज, ये भी एनाबोलाइट की बारी आती है, पापा देखे देखेंगे लास्ट एंड फाइनल में, तब जाके पता चल जाएगा कितना दूध बढ़ाती है ये।
कि आप अभी ब्रीडर बन सकते हैं या नहीं। कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो होएगा, पैसे जरूर लगेंगे, खर्चा बढ़ेगा, दूध तो पता नहीं अभी। तो ये अपने 100 ग्राम गुड़ और आधा किलो गुड़ सॉरी और 100 ग्राम तेल का काढ़ा अपने बनाया था। ये देखिए जी, पूरा खा लिया इसने। और फिर साथ में भी फीड भी अपन लेकर के आएंगे, जैसे कोई गोका फीड है, फेडर खिलाते थे पहले, लेकिन अब दूध का जो रिएक्शन मिलता है हमें उसके हिसाब से इसके डाइटिंग करेंगे। अभी 10 दिन के अंदर अपने पूरा पता लग जाएगा इसका कैसा क्या रहने वाला है। धन्यवाद सभी भाइयों को। तो ये देखें जी, दूध निकालने से पहले जो अपने जट्टी ने पोजीशन बनाई है जी, खड़ी नहीं साइड से, थोड़ी एक साइड से कम दिख रही होगी, काफ़ी अच्छा डरा भी वैसे देखें तो। तो अब आपको दिखा दिया, ये दूध निकालेंगे हम, और इस बाल्टी के अंदर 6-7 किलो की बाल्टी है जी, कितना देती है दूध निकालते टाइम वीडियो बनाए तो कोई दूसरा बंदा नहीं है जी। निकालने के बाद ही बाल्टी दिखा देंगे आपको कितना देती है, और फिर जिस दिन 10 दिन बाद में आप दोबारा दिखा देंगे भी इसी बाल्टी से कितना देगी ये। कुछ भी किलो एक तो इसको भी देना पड़ेगा, किलो का 1.5 किलो तो मान के चलो पी लेगा जी। ये दूध दिया जी इस झट्टी ने अपनी ने, ये तो लेंगे भी डेयरी में ले जाएंगे, 5 किलो के आसपास लग रहे हैं हमें तो। किलो के बच्चे ने भी अभी 6 किलो टेम का दूध है इसको, अभी 6.5 भी हो जाता है अभी कभी। तो लास्ट वाले दिन और तो लेंगे भी कितना देर, 10 दिन बाद में दूध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो आपको दिखाएंगे जी। दूध वाले ही दूध पशु दूध देते हैं या एक्स्ट्रा डाइट खिलाने से भी दूध में फ़र्क मिलता है जी। कोई कमी हो किसी फीड के अंदर कोई और, तो आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी बता सकते हैं जी अपने विचार। तो भी एक आप ये लेके आए हैं गुलका बूस्ट जट्टी, जो अपनी ब्याई है 600 ml की बोतल हमने ली है, और ये 380 रुपये की दी है अभी हमें, 430 इसका जो प्रिंट रेट है, 2025 की एक्सपायरी डेट है इसकी, और ये भी कंपनी का नंबर है, टोल फ्री नंबर कभी भी आप कर सकते हैं। 200 ml इसकी डोज है, इसको देंगे जी दूध बढ़ाने के लिए, ताकि पशु अपनी एनर्जी जो बैलेंस रखे, दाना चारा सही खाए, कम ना करे, उसके लिए दी जाती है। अभी दाना चारा सही खाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, दूध भी फ़र्क दिखेगा हमें।